श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। रात में ही बाबा महाकाल के भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई और इससे पहले बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक कर अद्भुत भांग मावा ड्राई फ्रूट से उनका श्रृंगार किया गया। आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बाबा चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन देंगे। गजराज पर मन महेश विराजेंगे। आज तो उज्जैन के महाकाल मंदिर से ये अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई है। बाबा महाकाल की पूजन अर्चन के लिए भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं और यहां पर भक्तों का तांता लगा है और इसी बीच बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार किया गया। और एक बार फिर आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपनी प्रजा से मुलाकात करेंगे, उन्हें दर्शन देंगे। और हर साल सावन के महीने में बाबा महाकाल इसी तरह नगर भ्रमण पर निकलते हैं और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो आज फिर बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार किया गया और महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। हमारे सहयोगी घर परिवार में सुख समृद्धि दे, क्या बाबा के देश प्रगति करे। बिल्कुल देश प्रगति करे, ऐसे अलग अलग भाव लेकर भक्त आते हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। बाबा के दर्शन हो गए? हो गए। क्या मांगा बाबा से? बस सबकी खुशियाँ मांगी है, सबकी खुशियाँ। कोई देश के लिए मांग रहा है तो कोई अपने लिए मांग रहा है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मांगा आज दर्शन हो गए? वी आर फ्रॉम कर्नाटका, बेंगलोर से आया। दर्शन बहुत अच्छा आया। बिल्कुल बहुत अच्छे हुए। पूरे देश भर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पुकार लेकर आते हैं, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और खास बात यह कि हम हमारे विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बता, राजाधिराज आज श्रावण मास में दूसरी बार चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, प्रजा का हालचाल जानने निकलेंगे। और इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने लोक कला के जो कलाकार है उनको भी सवारी में आने का निमंत्रण दिया है, जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और खास बात यह कि बिल्कुल संतोष जी, सावन के महीने में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और आज एक बार फिर बाबा चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, तमाम जानकारी के लिए आपका।